2 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने टेंडर लिया टीपीटी वाली चीज में, आज टेंडर की बात बता रहा हूँ। 2 करोड़ और क्या हल्के में ले रहे क्या? विश्वविद्यालय दिए हैं 2 करोड़, कुलपति को दिए होंगे, कुल सचिव को दिए होंगे, तभी हो पाएगा जब अगले की पेमेंट पहुंच जाएगी। ये पेमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये भैया मोहम्मद राजी, ये भैया विनय कुमार, ये भैया रवि कुमार माली के लिए, ये भैया ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ये रहा उनका डॉक्यूमेंट बस। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अजान से नींद में खलल डालने के मामले में चर्चित इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव पर नौकरी के नाम पर घूस मांगने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक संविदा कर्मचारी वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव और रजिस्ट्रार प्रोफेसर एन के शुक्ला पर भर्ती के टेंडर के नाम पर 2 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप लग रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वीडियो को मनगढ़ंत करार देते हुए इसे वायरल करने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। 2 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने टेंडर लिया टीपीटी वाली चीज में, आज टेंडर की बात बता रहा हूँ। 2 करोड़ और क्या हल्के में ले रहे क्या? विश्वविद्यालय दिए हैं 2 करोड़, कुलपति को दिए होंगे, कुल सचिव को दिए होंगे, 300 बंदे भी को लगाने हैं और एक बंदे तो महीने में मात्र 1000 रुपए में जाए सैलरी, तो 300 रुपए 1000 का तीन हर महीने की कमाई है 11 महीने। कितना कितना? एक आप टोटल मारो ना सीधे सीधे। 300 1000 पर डे पर मंथ ऑन एवरेज। अच्छा हाँ वो कमी समझिए समझिए। तो हर महीने की अगर कमाई हो गई तो जो हम बंदों को 300 बंदों को रखेंगे रखने के नाम पे जो ले लेंगे वो लेगा कमाई। मतलब आपको पहले 20 एडवांस दे दें, उसके बाद होने के बाद फिर 20। ठीक सीधा सर भाई, भैया के पास पेमेंट करा दीजिएगा डॉक्टर। भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? अपना वो दे दीजिए विजिटिंग कार्ड वगैरह। देखो भाई सीधा सा सेफ गेम है, डंडना डंडन ठीक है भैया, सीधा काम होना चाहिए बस। काम हो गया, मुझे दो चीजें हैं 100% काम की गारंटी हम नहीं दे सकते क्योंकि हम अतीत या कभी भी नहीं कर दिया नहीं है राइट। 99.9% हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका पैसा हमने दिया है तो हम काम करा दे क्योंकि आपके पैसे से हम कमा रहे हैं, आपके पैसे से ऑफिस चला रहे हैं, आपके पैसे से घर चला रहे हैं। बड़ी साफ सी बात है, काम नहीं होगा उन स्थितियों में आपका पैसा वापिस होगा, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? नुकसान होगा। मैं आपका एक काम कराऊंगा ना, आप 3-5 लड़के भी देंगे तो 15-20 लड़के हो गए कि नहीं आ जाओ गारंटी मिली एक बंदा काम करा दे। तो हमने जो पैसे कमाते हैं वो काम कराने कमाते हैं और अंत तक जब तक काम ना हो जाए क्योंकि हम गारंटी नहीं प्रयास कि जिस प्रयास को आप नहीं कर पा रहे हैं, जिस कोशिश को आप नहीं कर पा रहे हैं, उस कोशिश को हम करने में मैं ये जानना चाहता हूँ विश्वविद्यालय से आपकी वार्ता हुई है कि आप लोग ऐसे कर? विश्वविद्यालय से कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई, तो कंपनी से मतलब है ना? विश्वविद्यालय से कोई मतलब ही नहीं है, मेरी बात समझो आप। विश्वविद्यालय से कोई मतलब ही नहीं है। एक मिनट, मैं सीधा से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का सपोज करिए देख रेख का काम मोहम्मद राजी भाई को दे दिया, मोहम्मद राजी के ऊपर है ना कि इस बिल्डिंग की देख रेख के लिए 2 लड़के रखे, 4 लड़के रखे या 1 लड़का रखे, वो तो आपके ऊपर है ना, तो यही सारा टेंडर रखे। अब सारी जगह यही प्राइवेटाइजेशन जैसे देखते है ना, पालता रेलवे में यही हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट को सस्ता पड़ेगा ना, ना पेंशन का झंझट ना वर्कलोड का, प्राइवेट आदमी देखिए कितना काम करता है। एक इनके भाई का करवाना है ठीक, और इनके 2 रिश्तेदार हैं। देखिए भैया इस समय नगर निगम चल रहा है, आप 8 बच्चे लेके आइए, पैसे लेके आइए, विश्वविद्यालय में कराना है। देखिए भैया नगर निगम में क्या है, सर्वे पर्यवेक्षक घर घर जाके पढ़े, उसको 55 घरों का फोटो खींचनी है और एड्रेस नोट करना है और 14-15 हजार का साल विश्वविद्यालय वाला भैया क्लियर कर दिया। देखिए भैया विश्वविद्यालय वाले के लिए भैया ने जैसा बताया है पूरा 100% अपनी तरफ से प्रयास है 99.9। देखिए जिसकी पेमेंट पहले बहुत क्योंकि जो मैं जिनके माध्यम से मैं करवा रहा हूँ, नहीं मैं 20 में 40 दिन तैयार नहीं काम। देखिए लेट मी कम्प्लीट फर्स्ट, पहले मैं कम्प्लीट कर लीजिए।
इनके माध्यम से काम करना जाहिर सी बात है, उनके भी ट्रस्ट में डायरेक्ट बंदे होंगे। मेरी बात समझते जाइए, मैं आपसे अगर काम करा रहा हूँ उनके पहले अगर बंदे हो गए भाई वो अपना डायरेक्ट पैसा ज्यादा उठाना चाहेगा ना, इसीलिए कम काम दूंगा सॉलिड वाला काम दूंगा। नहीं होगा काम भैया के पास हाबिया काम करिए, उनका काम नहीं हो पा रहा है ये लीजिए उनकी पेमेंट। काम आप तभी करा पाएंगे जब विश्वविद्यालय के संपर्क में आप रहेंगे। काम तभी हो पाएगा जब अगले की पेमेंट पहुंच जाएगी। ये पेमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये भैया मोहम्मद राजी, ये भैया विनय कुमार, ये भैया रवि कुमार माली के लिए, ये भैया ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ये रहा उनका डॉक्यूमेंट, बस सीधी सी बात, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा मान लीजिए जी होने के बाद 20 अगर आप दो में से एक ये गलत कर दिया तो आप दोनों भी मेरे साथ खड़े हो और आप इसको डॉक्टर ऑफिस के बाहर लगा दो कि नहीं दोबारा लगा दो तुम्हारे पास मेरी जीती है, क्योंकि हम लोग एक झूठी बात पास हूँ, मेरे पास पहली बार आया है, मैं इसको नहीं जानता कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसी गलत बातें कर लूंगा ना, गलत आश्वासन में काम करा दूंगा ना, कल कोई मेरा दुखा हो जाएगा आने वाले 20 क्लाइंट को रोकेगा नहीं। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने खाली पड़े 209 पदों के लिए संविदा कर्मचारियों की भर्ती निकाली है, जिसमें माली, सफाई कर्मी, चपरासी, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, इंजीनियर विभाग में लिफ्ट ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, कार हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, कॉरपोरेट प्लम्बर हेल्पर के 35 पदों पर भर्ती के लिए 25 मार्च को विज्ञापन का टेंडर जारी किया गया था। नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार लखनऊ की एक फर्म को वॉक इन इंटरव्यू करने को दिया गया था। इसी भर्ती प्रक्रिया में बैंक रोड विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में इंटरव्यू की प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलनी थी। बीते शनिवार को गेस्ट हाउस में चल रही भर्ती प्रक्रिया में काफी संख्या में अभ्यर्थी जुटे थे। इस दौरान धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थी हंगामा करने लगे, इस वजह से भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। इस बीच भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें VC और रजिस्ट्रार को भर्ती के लिए पैसे लेने की बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर एक वीडियो को मनगढ़ंत बताया। ये भी कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव पिछले दिनों अपने विवादित बयान को लेकर चर्चित रही हैं। ये वही इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव हैं, जिन्हें अजान से परेशानी हो रही थी। वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने DM को चिट्ठी लिखकर ये भी कहा था कि रोज सुबह के लाउडस्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ रही है। अजान से उनकी नींद इस तरह बाधित हो जाती है कि उसके बाद तमाम कोशिश के बाद भी वे सो नहीं पाती। इस वजह से उन्हें दिन भर सिरदर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है, जिसके बाद अब उनका रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव के इस वीडियो पर चुटकी लेते भी दिख रहे हैं। ऐसी कुछ और खबरों के लिए NewsMX के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।